Now, look at this sum. अभी इसको हम कैसे draw करेंगे? तो method का draw हम करेंगे redrawing the circuit. Redraw circuit. Circuit को redraw करेंगे. कभी-कभी क्या होता है कि पता नहीं चलता कौन सा series है और कौन सा parallel है. तो इसको एकदम easy way में solve कर सकते हैं by you know redrawing the circuit. अभी मैं आपको redraw करने को सिखाता हूँ circuit को. Look at this two beautiful sum. देखो पॉइंट्स पोटेंशियल्स के पॉइंट समझ लेते हैं. देखो ये ए है यहाँ पे. ये जो कनेक्टिंग वायर्स है वो कार्बन की है, सॉरी कॉपर की है. और कॉपर का रेजिस्टेंस कितना रहता है? जीरो. ये बात याद रखो, कॉपर का रेजिस्टेंस कितना रहता है? जीरो. अपन कंसीडर करते हैं ऐसा, ठीक है. तो यहाँ पे पॉइंट ए है, मतलब इस पोटेंशियल का जो पॉइंट है वही यहाँ पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है. ये जो वायर है इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होने वाला है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे वही सब चुका है. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, ये वाला पॉइंट भी ए है, ठीक है. तो ये सारे पॉइंट ए ए ए ए लिख दिए. पर अभी आप समझो कि ये ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से यहां जाते हो आपको रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, और आप जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करके जाओगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा. तो यहां पे ए है, यहां पे ए है, ए ए, यहां पे बी है, तो यहां पे भी कितना रहेगा? बी, ठीक है. यहां पे भी कितना रहेगा? बी, क्योंकि देखो ना यहां से पूरा ऐसा बी है. अब अगर आप ठीक से देखोगे तो मैंने सारे पॉइंट्स जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है उसको अल्फाबेटिक नाम दे दिया. देखो ये रेजिस्टेंस है ना, तो इस रेजिस्टेंस के दोनों पॉइंट्स पे अल्फाबेट मतलब पॉइंट्स के नाम आगे क्या देखो. जैसे ये रेजिस्टेंस इधर ए लिखा इधर बी लिखा, ये रेजिस्टेंस के लिए इधर बी लिखा इधर ए लिखा, ये रेजिस्टेंस के लिए इधर ए लिखा बी लिखा, मतलब अपना जो पॉइंट्स का नाम देने का प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया. तो सबसे पहले तो सारे पॉइंट्स जो है उसको नाम दे दो. तो ये ए है, ये ए है, ए ए, ये बी बी बी, दैट्स इट. तो अभी देखो ए और बी ये दो ही पॉइंट्स हैं, और कोई तीसरा पॉइंट है नहीं इसमें. तो ए और बी ये दोनों पॉइंट है. तो ए और बी के अक्रॉस ये रेजिस्टेंस है आर, है ना. चलो ये हो गया ड्रॉ करके. ए और बी ये देखो, ये भी बी और ए के बीच में ये रेजिस्टेंस है, तो ये भी ड्रॉ कर लेते हैं आर. चलो ये भी ड्रॉ हो गया, और ये वाला रेजिस्टेंस भी ए और बी के अक्रॉस है, ये भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये कितना है? आर. तो आर आर और आर तीनों भी कनेक्ट हो गया, मतलब पूरा सर्किट मैंने फिर से ड्रॉ किया, तब मुझे पता चला दैट थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल. तो ये तीनों अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो वन अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या रहेगा? वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर प्लस वन अपॉन आर. तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? आर बाय थ्री, है ना. एलसीएम निकालोगे तो इसका आंसर आर बाय थ्री आएगा. इज इट सिंपल? सो वेरी इजी वे ऑफ डूइंग इट. सर्किट को रीड्रॉ करो आएगा, क्योंकि समझ में नहीं आता है कौन सीरीज है कौन पैरेलल है. तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक लगता है मुझे कि आप पॉइंट्स के नाम दे दो, उससे आपको डिवाइड होके मिल जाएगा कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में, ठीक है. चलो अभी इसका बात करते हैं. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. मुझे बताओ ये ए है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? ए. ये वाला पॉइंट ए होगा क्या? नहीं, क्योंकि अपन रेजिस्टेंस को क्रॉस करेंगे तो अल्फाबेट चेंज हो जाएगा. ये वाला भी क्या है? ए. ये वाला भी क्या है? ए. ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट ए है. तो सारे ए पॉइंट मैंने लिख दिए. देखो ये ए था तो ये ए था, इनको नहीं नाम लिखा तो भी चलेगा क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैंने ऐसे जस्ट डॉट बनाए. यहाँ पे ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट ए हो गया. ये बी है, बस बी का एक ही पॉइंट है और इसके आगे वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि इधर से इधर जाएगा तो वो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है. तो अभी कैसे करें? तो मैं एक काम कर देता हूँ, इसको एक पॉइंट में ऐसे जस्ट डिफाइन करता हूँ पी. ये मैंने नाम दे दिया पी. अगर ये पी है बच्चों तो ये पी हो जाएगा, है ना, यहां से लेके यहां तक. बाकी कोई नहीं है तो अभी सारे अल्फाबेट के नाम में लिख दिए मैंने. चलो रीड्रॉ करते हैं. ये ए ये बी, है ना, दो पॉइंट्स में ए और बी. आई एम जस्ट रीड्रॉइंग द सर्किट, सी हाउ आई एम ड्रॉइंग इट. ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है,
तो P इज एनी पॉइंट, लेट अस डिफाइन दिस एज पॉइंट P. A और P के बीच में एक रेजिस्टेंस है R, मैंने ड्रॉ कर दिया. चलो ये हो गया, इसका काम खत्म हो गया. ये वाला रेजिस्टेंस भी A और P के बीच में ही है. चलो फिर इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये वाला भी अपने ड्रॉ कर दे, ये क्या हो गया R. ये हो गया, ये हो गया. ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो दो A के अक्रॉस है, मतलब इधर भी A है और इधर भी A है, मतलब दोनों के अक्रॉस सेम पोटेंशियल है. इधर भी पॉइंट A है, इधर भी पॉइंट, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं जाने वाला है. तो इसको रीड्रॉ करते वक्त अपन स्किप कर देंगे, ये नहीं आएगा रीड्रॉ करते वक्त. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि उसमें से कोई करंट फ्लो होने वाला नहीं है, क्योंकि जो भी करंट आएगा वो सारा यहां से चला जाएगा और यहां से चला जाएगा. इधर से कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला है क्योंकि दोनों के अक्रॉस क्या है, ए, तो वो नहीं लेना. ये याद रखो ये टेक्निक. चलो ये हो गया, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया. फिर से ए और पी के अक्रॉस ये आ रहे हैं, ए और पी के अक्रॉस फिर से आ रहे हैं. चलो ए और पी के अक्रॉस फिर से ये आ रहे हैं, और पी और बी के अक्रॉस एक आ रहे हैं, पी और बी के अक्रॉस एक आ रहे हैं. अब मुझे बताओ ये सम कितना ईजी हो गया. देखो अभी आपको यहां पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, पर इसको देख के तो आप क्लियरली बता सकते हो कि ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये तीनों भी कैसे है पैरेलल में. तो इसका आंसर क्या आएगा, तीनों पैरेलल में रहेगा तो अभी अपन देखा आर बाई थ्री आने वाला है. तो इसको मैं सॉल्व करके लिखा आर बाई थ्री, है ना, इन तीनों के बदले मैंने क्या डाल दिया आर बाई थ्री. ये पॉइंट ए, ये पॉइंट पी, और ये पॉइंट क्या है आर बी. अभी ये R बाई थ्री और ये R है, दोनों कैसे है सीरीज में, क्योंकि जो करंट यहां से आएगा वही करंट यहां से जाने वाला है. तो A और B के अक्रॉस, तो अगर सीरीज में है तो R बाई थ्री किसके साथ ऐड हो जाएगा, R के साथ. सीरीज का फॉर्मूला क्या, R1 प्लस R2, तो इट इज R बाई थ्री प्लस R. तो आंसर क्या आएगा इसका, इसका आंसर आएगा 4R बाई थ्री. क्या आंसर आएगा, 4R बाई थ्री. इज इट क्लियर. ठीक है, तो ऐसे सम को हम सॉल्व करते हैं. नेक्स्ट एक सम में डिजाइन करता हूं, ऐसे आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो ये सम को. ठीक है, अगर आपको पता है कि अगर आप डायरेक्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज पॉइंट्स के नाम देके रीड्रॉ करो सर्किट को. दैट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग व्हेन यू आर कंफ्यूज विच इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड विच इज नॉट. चलो अब ये मैंने दिया है ड्रॉ करके, अब इसका अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है. तो मुझे बताओ कि ये पॉइंट ए है, और कौन सा पॉइंट ए रहेगा, ये वाला पॉइंट ए रहेगा क्योंकि यहां से लेके यहां तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है. ये पॉइंट बी है, ठीक है, और कोई पॉइंट भी नहीं. ये पॉइंट को अपन एक नाम दे देते पी, जस्ट मैंने ऐसा जस्ट नाम दे दिया पी. इसको रीड्रॉ करते, देखो तो तीन पॉइंट है ए पी और बी, ए पी और बी, ये तीन पॉइंट है. ठीक है, तो ए और पी के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, A और P के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, लेट अस से इट इज R. अगेन A और P के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, चलो इसको भी इधर नाम दे देते हैं R. P और B के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, लेट अस से दिस इज R. और A और B के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है, दैट इज R. अब मुझे लगता है कि ये सम काफी सिंपल हो गया. अब इसको देख के फटक से बोल सकते हो दोनों कैसे कनेक्टेड है, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सॉरी पैरेलल. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आर बाई टू, मैंने पहले बोला था दोनों अगर सेम रहेंगे तो आंसर हाफ हो जाता है. तो ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, तो इसका आंसर कितना आएगा, आर बाई टू. तो ये आर बाई टू हो गया, ये ऑलरेडी यहाँ पे आर बना है और ये भी आर है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी. अब मुझे बताओ ये दोनों कैसे है सीरीज, पर ये ऐसे तीनों सीरीज में नहीं कर सकते क्योंकि ये बी और ए के अक्रॉस फाइंड करना है, मतलब ये दो पॉइंट के अक्रॉस फाइंड करना है. तो ये दो पॉइंट अगर देखोगे तो ये एक हो गया और ये एक हो गया, ठीक है. तो ये दोनों सीरीज में, सीरीज में तो अपन ऐड करते आर बाई टू प्लस आर, आंसर कितना आएगा थ्री आर बाई टू. तो ये आ जाएगा थ्री आर बाई टू और ये हो जाएगा आर. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो थ्री आर बाई टू इंटू आर अपॉन थ्री आर बाई टू प्लस आर, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे प्लस, पैरेलल का फॉर्मूला ये, दैट इज द फाइनल आंसर. चलो तो सॉल्व करो इसको, क्या आएगा थ्री आर स्क्वायर बाई टू इंटू ये आ जाता है फाइव आर बाई टू, और उल्टा हो जाएगा टू बाई फाइव आर लिख देता हूँ. ठीक है, एक आर कैंसिल हो जाएगा, एक टू कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा थ्री आर बाई फाइव.
ठीक है. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व सम्स बाय यूजिंग द पॉइंट मेथड, पोटेंशियल मेथड. इससे सम्स काफी इजीली सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, और सारे बहुत सारे टेक्निक्स देखेंगे अपन, क्योंकि जेई नीट में थोड़े हाई लेवल के सम्स भी आते हैं, तो थोड़ा और अच्छे से इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट.